गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई नेम इज पवन कुमार शर्मा। आई एम द फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन SDIT कॉलेज दौसा। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, लेक्चर नंबर 8 की, पार्ट 8 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो हमारा है ट्रांसफार्मर इफिशियंसी टॉपिक है VTech थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर इफिशियंसी होती क्या है, यानी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, इफिशियंसी कहलाता है। द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर इन ए ट्रांसफार्मर इज नोन एज ट्रांसफार्मर इफिशियंसी। यानी कि आउटपुट पावर का इनपुट पावर के सापेक्ष जो ट्रांसफार्मर में रेशियो है, अनुपात है, वो क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी। यानी कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती क्या है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर का जो रेशियो है, अनुपात है, वो ट्रांसफार्मर की क्या कहलाती है, इफिशियंसी कहलाती है। तो नीचे लिखा गया है इक्वेशन नंबर 1 में, नीटा बराबर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट नीटा बराबर नीटा, इफिशियंसी को हम नीटा के द्वारा डिनोट करते हैं, नीटा के द्वारा हम इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीटा बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। चूंकि जो हमारा आउटपुट पावर नीटा बराबर नीचे जो ये जो नीटा बराबर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर में क्या होते हैं, हमारा आउटपुट पावर प्लस के उसमें कुछ लॉसेज होते हैं, और जो ट्रांसफार्मर में लॉसेज होते हैं, लॉसेज के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, दो तरीके के लॉसेज होते हैं, कॉपर लॉसेज प्लस के आयरन लॉसेज। तो फॉर्मूला क्या बन गया, नीटा बराबर आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस के कॉपर लॉसेज प्लस के आयरन लॉसेज इन पर यूनिट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। द पर यूनिट इफिशियंसी एट लोड करंट I2 एंड पावर फैक्टर cos ∅2। पर यूनिट इफिशियंसी एट लोड करंट I2 एंड पावर फैक्टर cos ∅2, यानी पर यूनिट इफिशियंसी लोड करंट I2 और पावर फैक्टर cos ∅2 पर क्या होगी, वो नीटा बराबर B2I2 cos ∅2। ये हमारी आउटपुट पावर हो गई अपॉन B2I2 cos ∅2। दिस इज द आउटपुट पावर B2I2 cos ∅2 प्लस के I2² Re2। ये हमारा क्या है, कॉपर लॉसेज है सेकेंडरी की साइड, प्लस के PI इज द आयरन लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे नीटा बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, B2I2 cos ∅2 अपॉन B2I2 प्लस के cos ∅2 प्लस के कॉपर लॉस प्लस के आयरन लॉस। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। द पर यूनिट इफिशियंसी एट फुल लोड इज गिवन बाय, यानी फुल लोड पर यूनिट इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नीटा FL यानी फुल लोड इफिशियंसी बराबर B2I2FL cos ∅2 अपॉन B2I2FL cos ∅2 प्लस के I2FL का स्क्वायर Re2 प्लस के PI। यहाँ पे I2FL है जो हमारा क्या है, फुल लोड करंट है सेकेंडरी साइड की तरफ, जो फुल लोड करंट है। B2 हमारा सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज हो रहा, वोल्टेज मिल रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो है। तो यहाँ पे जो नीटा FL का फॉर्मूला क्या हो गया, B2I2FL cos ∅2 अपॉन B2I2FL cos ∅2 प्लस के I2FL cos I2FL का स्क्वायर Re2 प्लस के PI। बेयर जो I2 है वो लोड करंट है, cos ∅2 हमारा क्या है, पावर फैक्टर को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे जो S2FL यानी एपरेंट पावर एट फुल लोड, तो एपरेंट पावर BA, एपरेंट पावर को किसमें मापते हैं, वोल्ट एम्पियर में, तो वोल्ट एम्पियर टू फुल टू FL, तो क्या हो जाएगा B2I2FL फुल लोड वोल्ट एम्पियर। यानी कि ये जो क्या है, फुल लोड पे हमारी जो एपरेंट पावर आ रही है, B2I2FL को फुल लोड वोल्ट एम्पियर बोल सकते हैं, या हम रेटेड KVA किलो वोल्ट एम्पियर, रेटेड किलो वोल्ट एम्पियर बोल सकते हैं। S डिनोट्स द एपरेंट पावर एट फुल लोड, तो फुल लोड पर जो एपरेंट पावर आएगी वो क्या आएगी, B2I2FL फुल लोड वोल्ट एम्पियर बोल सकते हैं, या हम इसे रेटेड किलो वोल्ट एम्पियर बोल सकते हैं। तो नीटा FL बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, B2
जो इक्वेशन नंबर हमारी 4 आई थी, इसमें जो B2I2FL की जगह हम क्या रख देंगे, H2। तो इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, B2I2FL की जगह क्या रखेंगे, H2। तो हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में B2I2 इक्वेशन नंबर 4 में B2I2FL की जगह क्या रख दिया, H2। ये हमने इक्वेशन ये रख दिया, तो B2I2FL की जगह क्या रख दिया हमने, H2 cos of phi 2। इसी तरीके से नीचे उसकी वैल्यू पुट अप कर दी, तो H2 cos of phi 2 प्लस के I2FL का स्क्वायर, RE2 क्या कहलाता था, कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो PCFL डिनोट्स द कॉपर लॉस एट फुल लोड प्लस के PI इज द आयरन लॉस। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। सिंस द ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टेटिक डिवाइस, चूंकि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेटिक डिवाइस है, देर आर नो रोटेशनल लॉसेज, इसलिए इसमें कोई भी रोटेशनल लॉसेज नहीं होते हैं, सच एज बिंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेज इन ए रोटेटिंग मशीन। जैसे कि जो रोटेटिंग मशीन में जो बिंडेज लॉसेज होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं, वो लॉसेज ट्रांसफॉर्मर में नहीं होते, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एक स्टेटिक डिवाइस है। इसलिए जो रोटेशनल लॉसेज हैं, जैसे कि बिंडेज और फ्रिक्शन लॉसेज हैं, जो रोटेटिंग मशीन्स में पाए जाते हैं, वो ट्रांसफॉर्मर में नहीं होते हैं। इन्हें वेल डिजाइंड ट्रांसफार्मर, एक अच्छी तरीके से डिजाइन किए हुए ट्रांसफार्मर के लिए द एफिशिएंसी कैन बी हाई, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो सकती है, एज 99%। एक अच्छी तरीके से डिजाइन किए हुए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 99% तक हो सकती है। अब है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कंडीशन क्या है, यानी कि ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो कंडीशन है वो क्या है। पर यूनिट एफिशिएंसी एंड लोड करंट I2 इज, पर यूनिट एफिशिएंसी और लोड करंट I2 पे, तो नीटा बराबर क्या हो जाएगा, B2I2 cos of phi 2 अपॉन B2I2 cos of phi 2 प्लस के I2 स्क्वायर RE2 प्लस के PI। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 6 में B2I2 cos of phi 2 आउटपुट पावर को डिनोट कर रहा है, नीचे अपॉन B2I2 cos of phi 2 इट इज द आउटपुट पावर प्लस के I2 स्क्वायर RE2 इज द कॉपर लॉसेज प्लस के PI इज द आयरन लॉसेज। तो नीटा बराबर क्या आ गया, B2I2 cos of phi 2, नीचे से मैंने क्या किया, नीचे वाली टर्म में से I2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, B2 cos of phi 2 प्लस के I2 RE2 प्लस के PI अपॉन I2। I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, नीटा बराबर B2 cos of phi 2 अपॉन B2 cos of phi 2 प्लस के I2 RE2 प्लस के PI अपॉन I2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन 7 जो हमारी अभी आई थी वो क्या आई थी, नीटा बराबर B2I2 cos of phi 2 अपॉन B2I2 cos of phi 2 प्लस के I2 RE2 प्लस के PI अपॉन I2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 शोज दैट, इक्वेशन 7 ये दिखाती है द एफिशिएंसी वेरीज विद द लोड, यानी एफिशिएंसी लोड के साथ साथ वेरी करती है। द प्लॉट ऑफ एफिशिएंसी नीटा वर्सेज लोड और लोड करंट इज शोन इन फिगर, जो एफिशिएंसी वर्सेज लोड के सापेक्ष जो प्लॉट दिखाया गया है, ग्राफ प्लॉट किया गया है, जो नीचे शो किया गया है, यहाँ पे जो लोड और एफिशिएंसी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, जो लोड वर्सेज एफिशिएंसी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो हमारा क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो जैसे जैसे हमारा जो लोड एक जो ये है, जो यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें जो मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है, मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ पे मिल रही है, इसके बाद में एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद में एफिशिएंसी क्या होने लग रही है, डाउन होने लग रही है। शुरुआत में जो हमारी एफिशिएंसी है वो लोड बढ़ने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर हमें जो एक ऐसा लोड का ऐसा लोड पर एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, जिसको हमें डैश 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 के द्वारा डिनोट किया है। नीटा एम डिनोट्स द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले पॉइंट, इस वाले लोड पर जो एफिशिएंसी है वो क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी है। इट इज़ सीन दैट एफिशिएंसी इज लो एट स्मॉल लोड्स, यह देखा गया है कि कम लोड पर एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है। इट इज
द एफिशिएंसी इज लो एट स्मॉल लोड्स, स्मॉल लोड पे जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, एंड रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू, और एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है फॉर सर्टेन लोड, एक निश्चित लोड के लिए यह एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है। द एफिशिएंसी देन डिक्रीजेज एज द लोड इज इंक्रीज्ड, अब यदि हम लोड को कितना भी बढ़ा लें तो एफिशिएंसी डिक्रीज ही होती है। जैसे कि पहले जो धीरे धीरे हमने लोड बढ़ाया तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी क्या हो रही है, धीरे धीरे हम लोड बढ़ा रहे हैं तो एफिशिएंसी भी लोड के साथ साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा लोड पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एक लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, ये वाला जो मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसके बाद में अब हम कितना भी लोड बढ़ा लें एफिशिएंसी डाउन ही होती जाती है। दिस इज डिनोट, यानी कि इस मैक्सिमम एफिशिएंसी के बाद में डाउनवर्ड जो एफिशिएंसी का ग्राफ है वो प्लॉट हो रहा है। हम कितना भी लोड बढ़ा लें इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद में एफिशिएंसी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। समटाइम्स इट इज डिजायर्ड टू नो दैट अंडर व्हाट कंडीशंस एंड एट विच वैल्यू ऑफ द लोड द ट्रांसफॉर्मर will operate at its maximum efficiency. Sometimes it is desired to know that under what condition and at which value of the load, यानी कौन सी condition और load की कौन सी value पे transformer maximum efficiency पे operate होगा, ये जानना आवश्यक है। At maximum efficiency, maximum efficiency के लिए क्या होगा, d neta upon di2 equal to किसके होना चाहिए, जीरो के, and d square neta upon di2 का square is less than zero, this is the equation number 8, यानी maximum efficiency के लिए d neta upon di2 equal to जीरो के होना चाहिए और d square neta upon di2 square is less than zero. Since B2 and cos phi 2 are constant for a given load, चूँकि एक दिए हुए load के लिए B2 और cos phi 2 की value क्या होती है, constant होती है, the efficiency will be maximum when the denominator dr, efficiency maximum होगी when the denominator का मतलब यहाँ पे हर से है, dr रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर को, बराबर b2 cos of phi 2 प्लस के i2 re2 प्लस के pi अपॉन i2, जो हमने इक्वेशन निकाली थी उस वाली इक्वेशन से ये जो हमारा डिनोमिनेटर लिया है, डिनोमिनेटर dr रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर को, इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो dr बराबर डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, b2 cos of phi 2 प्लस के i2 re2 प्लस के pi अपॉन i2 इज ए मिनिमम। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होती है, निम्नतम होती है। फॉर ए मिनिमम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर dr की मिनिमम वैल्यू के लिए या डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू के लिए डी डी आर अपॉन डी आई टू इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर का यदि मैं आई टू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर, एंड डी स्क्वायर डी आर अपॉन डी आई टू स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, और यदि डी आर का डबल डिफ्रेंशिएशन करूँ विद रेस्पेक्ट टू आई टू तो वो किसके बराबर आना चाहिए, किसके ग्रेटर देन आना चाहिए, जीरो से ग्रेटर देन आना चाहिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। d अपॉन डी आर डी अपॉन डी आई टू डी आर, यानी डी आर का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू आई टू, बराबर किसके, जीरो के। तो नीचे लिखा है d अपॉन डी आई टू डी आर इज इक्वल टू जीरो, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो पुट अप कर देंगे, तो d अपॉन डी आई टू डी आर की जगह हमने वैल्यू पुट अप कर दी b2 cos of i2 प्लस के i2 re2 प्लस के pi अपॉन i2 किसके बराबर है, बराबर है जीरो के, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू आई टू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का, तो कर दें डिफरेंशिएशन, बी टू कॉस ऑफ आई टू का क्या हो जाएगा, जीरो प्लस के आई टू आर ई टू, यानी आई टू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आई टू आर ई टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस के आर ई टू केवल आर ई टू माइनस पी आई अपॉन आई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के पी आई अपॉन आई टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यह डिफरेंशिएशन दिखाया गया है डी अपॉन डी आई टू किसका डिफ्रेंशिएशन किया है, पी आई अपॉन आई टू का, चूंकि जो हमारा पी आई है वो कांस्टेंट है तो हमें डिफ्रेंशिएशन जो करना है वो केवल करना है डी अपॉन डी आई टू वन अपॉन आई टू का, तो डी अपॉन डी आई टू इसको आई टू को ऊपर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, इनवर्स में जाएगा आई टू की पावर माइनस के वन। तो अब हम क्या करना है,
इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो माइनस का साइन आगे आ गया, माइनस के आई टू माइनस के वन की पावर माइनस के वन माइनस वन, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के आई टू की पावर माइनस के टू। अब इसको क्या करते हैं, माइनस के साइन को तो ये रहने देते हैं, और आई टू, ये इस आई टू की पावर माइनस के टू है, इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस के वन अपॉन आई टू स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन आई टू विद रेस्पेक्ट टू आई टू। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आ गई, जीरो प्लस के आर ई टू माइनस के पी आई अपॉन आई टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आर ई टू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, पी आर आई आर ई टू बराबर इस पी आई अपॉन आई टू स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे तो किस में जाएगा, प्लस में, तो पी आई अपॉन आई टू स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 10। तो आर ई टू बराबर हमारा क्या आया था, पी आई अपॉन आई टू स्क्वायर। तो I2 स्क्वायर को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 स्क्वायर R2 बराबर क्या आ गया, PI। दिस इज द इक्वेशन नंबर 11। I2 स्क्वायर R2 रिप्रेजेंट द कॉपर लॉसेज और PI इज रिप्रेजेंट द आयरन लॉसेज। अब हम क्या करते हैं, डी ऑल्सो डी स्क्वायर डी आर अपॉन डी आई टू स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। अब हम क्या करना है, डी स्क्वायर डी आर अपॉन डी आई टू स्क्वायर निकालना है जिसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो डी स्क्वायर अपॉन डी आई टू डी आर इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमने एक बार तो डिफ्रेंशिएशन कर लिया है, तो डी अपॉन डी आई टू एक बार और करना है, तो डी अपॉन डी आई टू, और जो हमने पहली बार डिफ्रेंशिएशन किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी है, आर ई टू माइनस के पी आई अपॉन आई टू का स्क्वायर किसके ग्रेटर देन होना चाहिए, जीरो से। अब देखो इसका भी डिफ्रेंशिएशन सिमिलरली किया गया है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसे आप देख लेना, ये पिछले जो हमने जो डेरिवेशन किया था उसके अकॉर्डिंग किया गया है। माइनस के वन अपॉन आई टू का स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू आई टू विच इज शोन बिलो, जो यहाँ पे दिखाया गया है वन अपॉन आई टू स्क्वायर आई टू माइनस के वन अपॉन आई टू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिखाया गया है। तो यहाँ पे आर ई टू का डिफरेंशिएशन आई टू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस के पी आई अपॉन आई टू का स्क्वायर यानी कि माइनस के वन अपॉन आई टू का स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना आता है, टू अपॉन आई टू की पावर क्यूब, तो क्या आ जाएगा, प्लस के टू अपॉन आई टू की पावर क्यूब, और पी आई क्या है, इसके साथ कॉन्स्टेंट है, तो जीरो प्लस के टू पी आई अपॉन आई टू की पावर क्यूब इज ग्रेटर देन जीरो। सिंस डी स्क्वायर डी आर अपॉन डी आई टू स्क्वायर इज पॉजिटिव, चूंकि जो डी स्क्वायर डी आर अपॉन डी आई टू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। द एक्सप्रेशन गिवन बाय इक्वेशन 11 इज ए कंडीशन फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी आर, यानी कि जो इक्वेशन 11 जो हमारी पिछली इक्वेशन थी, जो उसमें जो एक्सप्रेशन जो दिया गया था, जो हमारी इक्वेशन शो की गई थी, वो कंडीशन है फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी आर, यानी डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू के लिए, एंड देयर फॉर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफिशियंसी, इसलिए यह है इफिशियंसी की मैक्सिमम वैल्यू की कंडीशन है। फिगर शोज दैट द एफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑफ ए गिविन पावर फैक्टर इज ए मैक्सिमम व्हेन, फिगर शोज दैट एफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर फॉर ए गिविन पावर फैक्टर इज ए मैक्सिमम व्हेन द वेरिएबल कॉपर लॉसेज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या आयरन लॉसेज या कोर लॉसेज। यानी कि फिगर ये दिखाता है एक दिए हुए पावर फैक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मर की एफिशियंसी मैक्सिमम कब होती है, जब उसके वेरिएबल कॉपर लॉस किसके बराबर आ जाएं, कॉन्स्टेंट लॉसेज या आयरन लॉसेज या कोर लॉसेज के बराबर आ जाएं। यानी कि एक दिए हुए पावर फैक्टर के लिए जो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब उसके वेरिएबल कॉपर लॉस किसके बराबर आ जाएं, कॉन्स्टेंट कॉपर लॉस के बराबर। मानी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या हो गई, वेरिएबल लॉस बराबर कॉन्स्टेंट लॉस, वेरिएबल लॉस बराबर कॉन्स्टेंट लॉस। यानी कि वेरिएबल लॉसेज हैं वो किसके बराबर आ जाएं, कॉपर कोर लॉसेज के बराबर या आयरन लॉसेज के बराबर आ जाएं, तो उस टाइम पे जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। करंट एंड केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, आई टू एफ एल
हमारे पहले पैरामीटर को बताया गया है कि कौन सा पैरामीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आई टू एफ एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फुल लोड सेकेंडरी करंट को। आई टू एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंडरी करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी। एस एफ एल इज द फुल लोड बी ए, यानी फुल लोड पे अपेरेंट पावर या फुल लोड वोल्ट एम्पियर। वर आवर इसको रेटेड बी ए भी बोला था हमने, तो बी टू बराबर बी टू आई टू एम। फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी के सी के लिए अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी, वेरिएबल कॉपर लॉस किसके बराबर आना चाहिए? कांस्टेंट आयरन लॉसेज के बराबर होना चाहिए। तो वेरिएबल कॉपर लॉस बराबर कांस्टेंट आयरन लॉस, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो वेरिएबल कॉपर लॉस क्या हुआ? आई टू एम स्क्वायर आर ई टू बराबर कांस्टेंट आयरन लॉस बराबर क्या है? पी आई। तो आई टू एम स्क्वायर की वैल्यू यदि यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी? पी आई अपॉन आर ई टू। पी आई बराबर क्या? पी आई की जगह हमने क्या किया, ये आई टू एफ एल का स्क्वायर इंटू पी आई अपॉन आई टू एफ एल का स्क्वायर इंटू आर ई टू। यहाँ पे जो हमारा पी आई जो हमारा आयरन लॉसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे पी आई बराबर आई टू एफ एल का स्क्वायर इन टू पी आई अपॉन आर ई टू, आई टू एफ एल का स्क्वायर इन टू आर ई टू। तो यहाँ से जो इक्वेशन नंबर आई टू एम की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? आई टू एफ एल इन टू पी आई, यहाँ से स्क्वायर वाली टर्म में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आई टू एफ एल, एक आई टू एफ एल को अपन क्या ले रहे हैं, बाहर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये आई टू एफ एल रह जाएगा इन टू, इसको ये वाला पूरा रूट में चला जाएगा, पी आई अपॉन आई टू एफ एल का स्क्वायर इन टू आर ई टू। और ये आई टू एफ एल का ले लिया तो क्या हो जाएगा? आई टू एफ एम, आई टू एम बराबर आई टू एफ एल इन टू पी आई अपॉन आई टू एम बराबर आई टू एफ एल इन टू रूट पी आई अपॉन आई टू एफ एल का स्क्वायर इन टू आर ई टू। दिस इज द इक्वेशन नंबर 12। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी, यदि मैक्सिमम इफिशियंसी पर यदि करंट न्यूमेरिकल में पूछा जाता है तो फॉर्मूला क्या होगा? फुल लोड करंट इन टू रूट ऑफ कॉन्स्टेंट आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। इक्वेशन नंबर 12 गिव्स द वैल्यू ऑफ करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी। इक्वेशन नंबर जो 12 है वो क्या करती है, करंट की वैल्यू देती है मैक्सिमम इफिशियंसी पर। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 12 बोथ साइड्स बाय बी टू बी गेट। यदि इक्वेशन नंबर 12 को बी टू के द्वारा दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 12, आई टू एम बराबर आई टू एफ एल इन टू रूट ऑफ पी आई अपॉन आई टू एफ एल का स्क्वायर इन टू आर ई टू। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को हमने क्या किया है, किसके द्वारा डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई किसके द्वारा किया है, दोनों तरफ बी टू के द्वारा मल्टीप्लाई किया है। आई टू एफ एल स्क्वायर इन टू आर ई टू बराबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फुल लोड पर कॉपर लॉसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बी टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, तो बी टू आई टू एम बी टू आई टू एफ एल इन टू रूट ऑफ पी आई अपॉन, ये वाली टर्म क्या बन गई, कॉपर लॉस, फुल लोड पे कॉपर लॉस, तो पी सी एफ एल, इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, पी सी एफ एल, यानी फुल लोड पर कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस। तो बी ए वोल्ट एम्पियर एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, एस एम यानी एस एम इज द मैक्सिमम इफिशियंसी पे जो बोल्ट एम्पियर की वैल्यू है, बराबर एस एफ एल यानी फुल लोड पे जो बोल्ट एम्पियर या फुल लोड बोल्ट एम्पियर इन टू रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी एफ एल यानी फुल लोड कॉपर लॉस। इक्वेशन नंबर 14 गिव्स द वैल्यू ऑफ बी ए एट मैक्सिमम इफिशियंसी। इक्वेशन नंबर 14 है वो क्या करती है, बी ए की वोल्ट एम्पियर की वैल्यू देती है मैक्सिमम इफिशियंसी पर। मैक्सिमम इफिशियंसी बराबर हमारा ये फॉर्मूला था, नीटा एम बराबर बी टू आई टू एम, नीटा एम बराबर बी टू आई टू एम कॉस ऑफ आई टू अपॉन बी टू आई टू एम कॉस ऑफ आई टू प्लस के आई टू एम का स्क्वायर आर ई टू प्लस के पी आई, वेयर आई टू एम इज द सेकेंडरी करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी। तो आई टू एम का स्क्वायर इन टू आर ई टू विच रिप्रेजेंट द कॉपर लॉसेज, दिस इज द इक्वेशन नंबर 15। एट मैक्सिमम इफिशियंसी वेरिएबल लॉस बराबर कॉन्स्टेंट लॉस या आयरन लॉस। तो वेरिएबल लॉस बराबर क्या आया था, आई टू एम स्क्वायर
इंटू आर ई टू बराबर कॉन्स्टेंट, और आयरन लॉस की वैल्यू क्या है पी आई, इसकी जगह क्या रख दिया पी आई, तो आई टू एम बराबर क्या आ जाएगा, आई टू एम बराबर होता है एम इंटू आई टू एफ एल, आई टू एम बराबर क्या है एम इंटू आई टू एफ एल, आई टू एफ एल इज द फुल लोड सेकेंडरी करंट और आई टू एम इज द सेकेंडरी करंट एट मैक्सिमम एफिशियंसी, पुट द वैल्यू ऑफ आई टू एम इन अबव इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में हम क्या करते हैं आई टू एम की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, हाँ तो हम क्या करने आए हैं, हमको आई टू एम की वैल्यू पुट अप करनी है, कौन सी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, आई टू एम बराबर आई टू एफ एल इंटू रूट ऑफ पी आई अपॉन आई टू एफ एल का स्क्वायर इंटू आर ई टू, इसमें हमको क्या करना है आई टू एम की वैल्यू पुटअप करनी है, तो आई टू एम की जगह वैल्यू हमने पुटअप की एम आई टू एफ एल बराबर आई टू एफ एल इंटू रूट ऑफ पी आई, और दिस इज द कॉपर लॉस, तो पी सी यू इसकी जगह क्या लिख दिया अपॉन पी सी यू, तो आई टू एफ एल से आई टू एफ एल कैंसिल आउट हुआ तो एम बराबर क्या आ गया रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी यू, दिस इज द इक्वेशन नंबर 18, सो द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट एम फ्रैक्शन ऑफ लोड, यानी एम लोड फ्रैक्शन पर जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी नीटा एम बराबर एम बी टू आई टू एफ एल कॉस ऑफ फाई टू अपॉन एम बी टू आई टू एफ एल कॉस ऑफ फाई टू प्लस के आई टू एम का स्क्वायर आर ई टू प्लस के पी आई, वेयर एम डिनोट्स द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट एम फ्रैक्शन ऑफ लोड, तो नीटा एम बराबर हमारा क्या आया एम बी टू आई टू एफ एल कॉस ऑफ फाई टू अपॉन एम बी टू आई टू एफ एल कॉस ऑफ फाई टू प्लस के पी आई, हाँ प्लस के पी आई प्लस के पी आई, ये पी आई कैसे लिखा है क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है जब हमारे कॉपर लॉसेज हैं वो किसके बराबर आ जाएं आयरन लॉसेज के बराबर आ जाएं, तो यहाँ पे जो आई टू एम इस जो मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में ये है कॉपर लॉसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आयरन लॉसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जगह हम ये पी आई की जगह हम क्या ये जो आई टू एम स्क्वायर इंटू आर ई टू की जगह क्या पुटअप कर सकते हैं पी आई, तो इसकी जगह क्या पुटअप कर दिया पी आई, तो प्लस के पी आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आई और पी आई एड होके क्या हो जाएगा टू पी आई, तो नीटा एम बराबर क्या आ गया एम रेटेड बोल्ट एम्पियर कॉस ऑफ फाई टू अपॉन एम ब्रैकेट स्टार्ट रेटेड बोल्ट एम्पियर ब्रैकेट क्लोज कोस ऑफ फाई टू प्लस के टू पी आई, यानी कि नीटा एम की जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या आई है एम रेटेड बोल्ट एम्पियर कोस ऑफ फाई टू अपॉन एम रेटेड बोल्ट एम्पियर कोस ऑफ फाई टू प्लस के टू पी आई, यहाँ पे जो मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में कॉपर लॉस किसके बराबर होता है आयरन लॉसेज के बराबर होता है, तो पी आई की जगह हमने वैल्यू पुट अप करी है ये जो आई टू एम स्क्वायर इंटू आर ई टू की जगह हमने क्या रखा है पी आई रखा है, तो नीटा एम की वैल्यू आई है हमारे पास एम रेटेड बोल्ट एम्पियर कॉस ऑफ फाई टू अपॉन एम रेटेड बोल्ट एम्पियर कॉस ऑफ फाई टू प्लस के टू पी आई, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ एम फ्रैक्शन ऑफ लोड इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट इन टर्म्स ऑफ अपेरेंट पावर ई टी सी, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।